आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एन में आप सभी का इस्तकबाल है। चंद्रायन गुट्टा पीएस लिमिट पीली दरगाह मुमताज़ बाग एरिया बिलवेर स्विमिंग पूल में सैयद समीउद्दीन उम्र 24 साल जो स्टूडेंट थे अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल करने गए थे। स्विमिंग के दौरान सैयद समीउद्दीन के डूबने से उनकी मौत वाक़े हो गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दिए। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। न्यूज़ एन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। मेरा छोटा भाई सुफियान, उसका नाम सैयद समीउद्दीन था। दोस्तों के साथ सुबह में स्विमिंग पूल को गए थे, उन्हों तैरने के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये जो स्विमिंग पूल वाले हैं उन्हों बहुत अनकेयरनेस थे। क्या हुआ, बच्चा 16 मिनट पानी में अंदर था डूब के, स्विमिंग पूल वाले नहीं देखे। ये स्विमिंग पूल वालों को बिल स्विमिंग पूल नाम है वो मुमताज़ बाग सलाला में, उसके ऊपर एक्शन होना। मेरे को आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भी भाई बच्चा कोई भी जाता, इसके ऊपर मेरे को एक्शन होना और वो स्विमिंग पूल बंद होना। कितने साल के हैं? 24 इयर्स के हैं। इंजीनियर थे उन्हों, इंजीनियरिंग कंप्लीट, फाइनल ईयर था लास्ट लॉर्ड्स का। ये हादसा कब हुआ और आपको इसकी इतना कम मिली? हादसा सुबह 10:30 को कब हुआ कि मेरे को 11:42 को कॉल आया कि ऐसा है, जल्दी हॉस्पिटल को आओ बोल के। फ्रेंड्स थे उनके, दोस्तान साथ थे, 7-8 जने दोस्तान थे पूरे। स्विमिंग आती थी उनको? थोड़ी बहुत आती थी, पक्का नहीं आती थी। लेकिन ये इसका लोग स्विमिंग पूल खोले, लाइसेंस इशू हुआ, हर चीज़ हुआ, तो उन लोग वहाँ पर लाइफ गार्ड्स रहना, सेफ्टी फ्यूचर्स रहना, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लापरवाही की तरफ से मेरा भाई चले गया। मेरे को इसका एक्शन होना और उनका स्विमिंग पूल बंद होना, उनको सीज करना और वो आदमियाँ यहाँ पे आके जो भी है बात करना। बच्चा कहाँ का रहने वाला है? जहनुमा पानी की टाकी के हमला। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हादसा हुआ मैं इसके सख्त मजम्मत करता हूँ ये चीज़ों की। जैसे कि मेरे छोटे भाई जैसे तैयब, उनका और एक जो छोटा भाई से वो समीउद्दीन, उनका आज इंतकाल हुआ। पुर अमल मलाल है हमको इसका, और जैसे ही इसकी इत्तला मिली हमको भी इस हरकत में आ गए हम भी, और पुलिस से रابطہ करे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और स्विमिंग पूल में ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और मैं मीडिया के हवाले से भी, मैं तमाम मेरे मीडिया भाइयों से भी अपील करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरल किया जाए इस वीडियो को, क्योंकि कल के दिन दूसरों के भी बच्चे जो गैर जिम्मेदाराना ये जो स्विमिंग पूलों में जाकर, ये कोई वजूहत से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसकी। और जैसे कि आज जो ये मामला पेश आया, जो एक 15 मिनट जो स्विमिंग पूल में पानी में रहने के बावजूद भी कोई वहाँ पर स्विमिंग करने वाला, कोई बचाने वाला, कोई भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है, और लाइफ गार्ड कोई भी नहीं थे। और इसके ऊपर मैं हुकूमत से चाहता हूँ, मुतालिबा करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कल के दिन किसी के साथ भी ये हरकत ना हो।